ट्राई कर पा रहे हो ये हिमांशु वैसे मैं अभी कार में हूँ, वो फिजिक्स क्लास से वापस आ रहा हूँ, बहुत ज्यादा ट्रैफिक अच्छा था, सही। चल अभी करने पर हूँ। चलो कुछ क्वेश्चन सुन लियो ऊपर। ठीक हाँ ट्राई कर लिया हो क्या? क्वेश्चन नंबर 37 ट्राई कर लिया है? Yes. अब सुन लेंगे एक बार। ठीक देखो पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेना। सर क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? क्रेश ऑप्शन हाँ ऑप्शन दिया तेरे को मैं। देखो अब क्वेश्चन का मीनिंग देख लेंगे एक बार।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ना कोई सब्सटेंस है जिसके अंदर 60% NaCl है, 37% KCl है। क्वेश्चन नंबर 37 है असाइनमेंट में। इसको टाइट्रेट किया 25 मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल AgNO3 के साथ। तो सबको पता है AgNO3 से NaCl रिएक्ट करता है तो AgCl मिलेगा, KCl भी रिएक्ट करता है तो AgCl मिलेगा, यानी NaCl और KCl दोनों रिएक्ट करेंगे AgNO3 के साथ। अब AgNO3 एक्सेस में डाल दिया है, इसको बैक टाइट्रेट किया है किसके साथ, NH4HCl के साथ, 5 मिलीलीटर NH4HCl के साथ। तो अब इसने एक लाइन आगे लिखी है, 5 मिलीलीटर NH4HCl तो दिया है लेकिन इसकी नॉर्मलिटी या मोलरिटी नहीं दे रखी, इसीलिए इसने एक हिंट दिया हुआ है कि 1 मिलीलीटर NH4HCl जो है ना वो 1.1 मिलीलीटर AgNO3 है, यानी 5 मिलीलीटर कितना हो जाएगा, 5.5 मिलीलीटर हो जाएगा AgNO3, और AgNO3 की नॉर्मलिटी मेरे को पता है कितनी है, 0.1। तो NaCl क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं है? मैं एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे, मिलिक्विलेंट्स ऑफ NaCl प्लस मिलिक्विलेंट्स ऑफ KCl इज इक्वल टू मिलिक्विलेंट ऑफ AgNO3। AgNO3 ज्यादा डाल दिया इसलिए NH4HCl डालना पड़ रहा है, माइनस मिलिक्विलेंट ऑफ NH4HCl, माइनस मिलिक्विलेंट ऑफ NH4HCl, और NH4HCl की जगह मैं माइनस मिलिक्विलेंट ऑफ एक्सेस AgNO3 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि 1 मिलीलीटर NH4HCl जो है वो 1.1 मिलीलीटर AgNO3 है, तो 5 मिलीलीटर, क्योंकि हमने एक्सेस क्या डाला है, 5 मिलीलीटर NH4HCl डाला है, 5 मिलीलीटर NH4HCl क्या हो जाएगा, 5.5 मिलीलीटर, सही, 5.5 मिलीलीटर हो जाएगा। तो मिलिक्विलेंट्स ऑफ NaCl प्लस मिलिक्विलेंट ऑफ KCl, मिलिक्विलेंट NaCl, NaCl कितना है, अगर A अमाउंट सब्सटेंस का है, अगर A अमाउंट सब्सटेंस का है या X अमाउंट सब्सटेंस का है तो उसमें 60% NaCl है, यानी 0.6A इसका वेट है, 0.6A अपॉन 58.5/1 इंटू 10^3, मैं बाद में कॉमन लिख दूंगा, 0.37A डिवाइड बाय 74.5/1 और इंटू 10^3 दोनों के साथ। मिलिक्विलेंट समझ आ गया इन दोनों के कि नहीं? क्या क्लियर हो गया ये? दिस इज इक्वल टू मिलिक्विलेंट ऑफ AgNO3। AgNO3 कितना है? AgNO3 कितना तुम चेक करोगे तो वो दे रखा है 25 मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल, 25 मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल यानी 2.5, ये ज्यादा था एक्सेस में थे, माइनस करेंगे 5.5 इंटू 0.1, क्योंकि 5 मिलीलीटर NH4CN कितना हो जाएगा, 5.5 मिलीलीटर AgNO3, और AgNO3 नॉर्मलिटी कितनी है, 0.1, तो माइनस 5.5 इंटू 0.1, तो 2.5 माइनस 0.55 यानी 1.95 आ जाएगा। ए निकल जाएगा ऐसा कि नहीं? ए निकालना है यहाँ से। क्या समझ आया बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन? सर वो फर्स्ट स्टेप में 0.6A और 0.37A, 0.6A वाला बता दो। अगर A अमाउंट सब्सटेंस है तो उसके अंदर 60% NaCl है ना, तो A का 60% कितना होगा, 0.6 है। नहीं क्लियर हुआ? ये हो गया क्लियर कि नहीं? हो गया सर। ये सर ए 0.12 आ रहा है। हाँ वही होगा फिर आंसर, जो भी आ रहा है वही आंसर होगा। बैक टाइट्रेशन का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है? यस सर। क्लियर। तो ये इस क्वेश्चन को ढंग से दो बार रिपीट करके भेज देना ग्रुप पे जरूर, ना इस क्वेश्चन को जरूर रिपीट करके भेज देना, एक क्वेश्चन और लिख लेंगे बैक टाइट्रेशन। कल मैं क्लास में कराऊंगा क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, वो बड़ा क्वेश्चन है, वो कल क्लास में कराऊंगा मैं। सर कल क्लास ऑनलाइन है ऑफलाइन? 99% ऑफलाइन है। क्वेश्चन नोट करना एक और, तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर इसमें ले लेना आपको। चलो ये कर लो, ये सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27th। ए सैंपल ऑफ चॉक कंटेन्ड एज इंप्योरिटी ए फॉर्म ऑफ क्ले, क्या मिल गया 27th? Yes, sir. कह रहा है कोई सैंपल है चौक का, उसके अंदर इम्प्योरिटी है क्ले की फॉर्म में, विच लूजेस 14.5% ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग। और फिर आगे क्या है, 5 ग्राम चौक लिया, 5 ग्राम ऑफ चौक ऑन हीटिंग शोज ए लॉस इन वेट ड्यू टू एवेलेशन ऑफ CO2 एंड वाटर
बाय 1.507 ग्राम। 5 ग्राम चॉक को गर्म करते हैं तो वेट में उसके लॉस होता है कितना, कितना लॉस होता है ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2 एंड वाटर। वाटर का लॉस तो बता ही रखा 14.5% होता है और CO2 का लॉस CaCO3 की वजह से होगा। फिर अब तो निकालना कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ चॉक इन द सैंपल, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ चॉक इन द सैंपल। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन सबके पास है ना सर? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 27th, a sample of chalk contained as impurity a form of clay. मिल गया कि नहीं? Yes sir. चलो जल्दी से कर लो इसको शुरू। सर कल वाली क्लास जो शाम को ही जो रिकॉर्ड नहीं हुई थी जिसमें आपने क्वेश्चंस कराए थे डबल टाइट्रेशन के, कल वाली क्लास मेरे को ध्यान नहीं, अगर रिकॉर्ड हुई होगी तो मैंने डाल दी होगी। ओके, मतलब वो आपने सर काइनेटिक्स की वीडियो में यूडोमेट्री का टाइटल डाला था? नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं होगी, फिर रिकॉर्ड नहीं हुई कल से। कल वाली क्लास रिकॉर्ड तो होनी चाहिए। कल ये क्रिश रिकॉर्ड की थी क्या? क्रिश आरशी सर कल तक कशिश की थी। अच्छा कशिश ने की थी? हाँ कशिश, तुमने भेजा नहीं मेरे को फिर, तुम लोग 11 सालों में से कोई भी 2-3 बच्चे हो कर लो जो रिकॉर्ड कर लो क्लास, तुम्हारी क्लासेस मिस हो जाएंगी नहीं तो ऐसे। कल तुम अपना होमवर्क जरूर लेके आना, सारा जो मेरे को कराया मैंने उसको रिपीट करके आना 2-2 times, उसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी। सर एक बार बैक टाइट्रेशन दोबारा समझा दो, मैंने 45 का टाइम देखा था। बैक टाइट्रेशन मैं क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा, मैं कुछ मैं मीनिंग बता देता हूं तुम्हें सिर्फ। देखो मान लो NaOH है 10 मिल, ये दे दिया मैंने 10 मोल, इसको खत्म करने के लिए तुमने डाल दिया से 12 मोल HCl, तो तुमने HCl ज्यादा डाला कम डाला? कम डाला सर, ज्यादा डाले, ज्यादा डाल दिया ना, तो इसलिए एक्सेस ऑफ HCl इज बैक टाइट्रेटेड विद हाउ मेनी मोल्स ऑफ KOH, 2 मोल्स ऑफ KOH, ये निकालना होता है। समझ गए कि नहीं? जो हमने न्यूट्रलाइज किया वो ज्यादा डाल दिया मोल्स, तो इसलिए उसको खत्म करने के लिए हमें ज्यादा क्या डालना पड़ेगा? KOH डालना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? सर एक बार आप बस क्वेश्चन बता दो, आपने कौन सा करवाया था? क्वेश्चन नंबर मैंने कराया था वो 37th। ओके सर। कल तुम सब लोग अपने असाइनमेंट जरूर लेके आना। अब ये चौक वाला क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन कर लो जल्दी से। हाँ चित्रक्ष हो गया? यस सर। चलो और किसी ने किया है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर जो दिया मैंने भी, ए सैंपल ऑफ चॉक कंटेंट एज इंप्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ क्ले, 27th क्वेश्चन है।
चलो अब देख लेंगे एक बार आंसर। देखो चौक जो है उसके अंदर CaCO3 है और क्ले है, चौक के अंदर CaCO3 है और क्ले है। मान लिया इसके अंदर 1 ग्राम है CaCO3 और 20 ग्राम है क्ले। 20 ग्राम चौक के अंदर क्या है, CaCO3 है और क्ले है एज इम्प्योरिटी। तो ए प्लस बी जो दे रखा है, चौक का टोटल दे रखा है 5 ग्राम। ये क्वेश्चन बनेगी, ए प्लस बी दे रखा 5 ग्राम। और दूसरी लाइन क्या बोली है इसने, लॉस इन वेट हुआ है 1.5 ग्राम का। लॉस इन वेट बोला हुआ है कितना हो गया, 1.507 ग्राम का। तो लॉस जो होगा गर्म करने से, CaCO3 से क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। CaCO3 से क्या निकलेगा, CO2 गर्म करने पर इसका लॉस होगा। और क्ले में से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, इसका लॉस होगा। तो टोटल लॉस कितना हुआ है 1.507 ग्राम का, टोटल लॉस कितना है 1.507 ग्राम का, टोटल लॉस कितना है 1.507 ग्राम का। तो CaCO3 में से जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, CaCO3 में से लॉस होगा वो निकाल लेंगे ए में, CO3 में से सब CO2 एस्केप करेगा। तो 100 ग्राम CO2 में से 44 ग्राम CO2 एस्केप कर रहा है, तो 1 ग्राम CaCO3 में से कितना एस्केप करेगा, 1 ग्राम है ना CaCO3, तो उससे कितना एस्केप करेगा 44/100 ऑफ ए। तो ये लॉस आया 44/100 ऑफ ए, प्लस जो क्ले में से कितना निकला वाटर 14.5%, क्ले में से वाटर निकला 14.5%, तो 14.5/100 ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू 1.507। दो इक्वेशन दोनों ने समझ आए, चित्रा यही क्वेश्चन बनी क्या, यस सर, यस। चलो सही चित्राक्ष, चलो चित्राक्ष का बिल्कुल सही है। और किसी का सही हुआ है सर? मेरा दो ही क्वेश्चन थी, चित्राक्ष का सही है, कीर्ति का सही है, हिमांशु, हिमांशु सही हुआ है क्वेश्चन? यस सर, बहुत अच्छा हिमांशु, अगर खुद कर लिया क्वेश्चन तो। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, मोर कसप का तुम कह भी नहीं सकते इसको कि मोर कसप का है, मोर कसप का कुछ भी नाम नहीं है इसके अंदर, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ पेपर में पूछा हुआ है, सही ना। पहले एक बार हैंड्स करेंगे जिससे समझ आ गए। दिया, पवित्र, कृष, मानसी, कशिश, निष्ठा, हिमांशु, बिनकिन, मनी, अर्षी, आदित्य, युग, नवीन, हिमांग, दिव्यांश, लक्ष्य, ध्वनि, सौम्या, कीर्ति। चलो तुम लोग, लेकिन ये तुम लोगों ने अभी 12th वाले बच्चों ने भी भेजा नहीं है PDF अपना, जो आज मैंने नंबर कराए थे वो जरूर करके भेज दो, उसको जरूर करके भेज दो। कल तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा क्लास में, वो होगा क्या कहते हैं, एक तो सीरीज रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन, इसकी डेरिवेशन वगैरह मैं कराऊंगा, हो सकता टाइम मिला तो क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये तीनों टॉपिक खत्म करने हैं पूरा खत्म। क्लास बताएं क्लास की टाइमिंग 3:30 है? हां 3:30 सर। टेस्ट है? हां टेस्ट पढ़ के आना तुम। सर अभी एंड मत करना, जिन्हें जो मेरे को सर आवाज नहीं आई थी, एक बार बता दोगे आपने क्या करा है? मैंने बोला कि कल क्लास 3:30 पे है काइनेटिक्स की, और उसके बाद तुम लोगों का टेस्ट होगा 11th वाले बच्चों का, 11th वाले बच्चों का टेस्ट होगा। फिर सर क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, मैं वो नहीं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन तूने सुना ही नहीं है क्या सर? आवाज ही नहीं आई थी, बाकी बच्चों को भी नहीं आई आवाज का? एक बार जल्दी से देख ले मुझे। मैंने बोला जो चौक है उसके, चौक टोटल लिया 5 ग्राम, और चौक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, CaCO3 और क्ले, ये दोनों चीजें प्रेजेंट है। चौक में CaCO3 है और क्ले है, मैंने CaCO3 मान लिया 1 ग्राम और क्ले मान लिया 2 ग्राम, 1 ग्राम 2 ग्राम, तो ए प्लस बी दे रखा 5, क्लियर, ए प्लस बी दे रखा 5। अब इसमें से गर्म करने पर जो लॉस होता है वो होता है 1.507 ग्राम का, गर्म करने पर जो लॉस हो रहा है 1.507 ग्राम का लॉस हो रहा है, और ये लॉस किसकी वजह से है, CaCO3 से CO2 उड़ेगा, CaCO3 से CO2 भर लेगा। तो CaCO3 था 1 ग्राम, 100 ग्राम CaCO3 से, 100 ग्राम वेट होता है ना इसका, 100 ग्राम CaCO3 से 44 ग्राम CO2 का लॉस हो रहा है, तो 1 ग्राम से, 1 ग्राम से कितना लॉस होगा, 44/100 ऑफ ए, वही लिख दिया मैंने।
दूसरा है क्लेम में से वाटर लॉस हो रहा है वो कितना परसेंट 14.5%, तो 14.5% by 14.5 by 100 of B is equal to 1.507. clear हुआ कि नहीं ये मुझे? yes sir हो गया। चलो तुम अभी ये क्वेश्चन दोनों ट्राई कर लेना, दोनों क्वेश्चन जरूर कर लेना और कल होमवर्क जरूर करके आना सारा अपना। ट्वेल्थ वाले बच्चे अपना 11th का काम, 11th का होमवर्क जरूर करके आएंगे, मिस नहीं करना बिल्कुल भी। सर कल के जो डबल टाइट्रेशन के क्वेश्चन है उसमें अगर मेरे को डाउट हो मैं पहले आके ले लूं फिर आपसे वो कल। कैसे ले पाएगा तेरे को? मैंने तेरे को भेजा ना जो लेक्चर्स भेजे हैं उसके अंदर है, उसमें उसमें एक ही क्वेश्चन कराया ढंग का मैंने, वो एक क्वेश्चन करना जरूर। वो कौन सा वाला? BACL2HCl। हां BACL2HCl। अगर रिकॉर्डिंग कशिश तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग हो तो मेरे को भेज देना जरूर, है ना। कल मैं बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन कराऊंगा और एक हार्ड वाटर का कंसेप्ट। कल ट्राई करेंगे कि चैप्टर खत्म हो जाए, है ना, चैप्टर खत्म हो जाए और नया चैप्टर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर वो स्टार्ट होने वाला है। सही है सर? रेडॉक्स, रेडॉक्स करना है सर अभी? नहीं नहीं, अच्छा वो चैप्टर ही अलग है, ठीक है। हां मोल का सबका चैप्टर खत्म हो गया, हालांकि होना चाहिए रेडॉक्स, लेकिन मैक्सिमम स्कूल में एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है इसलिए वही स्टार्ट करेंगे। ओके।